फ्रेंड्स, आज आपको मैं सबसे ऑथेंटिक तरीके से समोसा बनाना सिखाऊंगी। तो मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है और प्रेशर कुकर में मैं डालूंगी 1.5 kg आलू। समोसा है चूँकि बहुत ही पसंदीदा चीज़ है सभी का, तो मेरे घर में तो भाई थोड़े से आलू में होगा नहीं, इसलिए मैंने 1.5 kg आलू लिया है और इसको मैं प्रेशर कुक कर लूँगी 3 सीटी तक। फ्रेंड्स, जब तक आलू बॉयल होगा तब तक मैं आटा लगा लेती हूँ। उसके लिए मैंने लगभग 750 ग्राम मैदा लिया है। मैदे में मैं डालूंगी हल्का सा नमक, अजवाइन जिसको कि हाथ से अच्छे से मसल कर मैं उसमें डाल रही हूँ। अगर आप अपने हाथ से अच्छे से मसल कर डालिएगा तो उसका सुगंध अच्छा आएगा। काला जीरा लिया है 1/4 teaspoon और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि नमक और जो मसाला है वो मिक्स हो जाए अच्छे से। अब मैं इसमें रिफाइंड ऑयल डालूंगी। 750 ग्राम मैदे में मैंने 4 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल लिया है। अगर आप इसमें मोइन कम डालेंगे तो आपका जो समोसा है वो खस्ता नहीं बनेगा, इसलिए मोइन इसमें सही से डालना है और इसको सही से आटे को मिक्स भी करना है। तो मैं आटे को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। जब आप ये मैदा में तेल डाल दीजिएगा और जब चेक कीजिएगा, आप ऐसे गोल करके हाथ में लीजिएगा ना पूरा, तो वो लड्डू सा बन जाएगा हल्का। इसका मतलब है कि उसमें सही मोइन पड़ा है। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी देके आटे को गूंद लूँगी। आटे को ज़्यादा पानी देकर हमें नहीं गूंदना है, आटे को हमें कड़ा गूंदना है। समोसा का जो आटा होता है वो बहुत ज़्यादा गीला नहीं होता है, एकदम कड़ा आटा हमें गूंद कर रेडी करना है। अगर आप मेरा प्रोसेस फॉलो करके समोसा बनाइएगा ना, तो जैसे हलवाई के बनाए हुए हाथों का समोसा होता है ना टेस्टी, एकदम वैसा ही टेस्टी बनेगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो हलवाई नहीं बनाया है, इतना टेस्टी वो समोसा बनेगा। अगर आप किसी को भी ऐसे बना के सेम प्रोसेस से बना के फॉलो करके आप किसी को भी समोसा खिलाइएगा ना, तो सभी यही सोचेंगे कि आपने ज़रूर होटल से हलवाई का मंगवाया होगा, बनवाया हुआ। ये मैं आपको एकदम गारंटी के साथ बोलती हूँ, इसीलिए आप ये प्रोसेस फॉलो कीजिए। आप सामने में देखिएगा, मैं जब ये आटा मिला लूँगी फिर मैं बताऊँगी कि समोसे का मसाला कैसे बनाना है। तो वो मसाला जो मैंने प्रोसेस बताया है वही तो है मेन चीज़ जो कि आपको फॉलो करना है। आप एकदम गौर करके देखिए, आपने बहुत सारा वीडियोस देखा होगा पर ऐसा ऑथेंटिक रेसिपी आपने नहीं देखा होगा। मैं एकदम आपको दावे के साथ बोलती हूँ, आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ और आप देखिए कि मैं कैसे बनाती हूँ। आटा गूंथ कर रेडी हो गया है। अब मैं इसमें हल्का सा रिफाइंड ऑयल देके और इसको अच्छे से ऊपर से कोट कर दूंगी ताकि आटा मेरा सूखे नहीं, क्योंकि अभी तो मसाला भी बनाना है ना। पहले मैं मसाला बनाऊंगी फिर आलू को फ्राई करूंगी उस मसाले में, इसलिए मैंने उसमें डाल दिया है ताकि आटा सूखेगा नहीं। लगभग आधा घंटा तो लग जाएगा। आइए मैं बताती हूँ मसाला कैसे बनाना है। गर्म कढ़ाई में मैं 3 चम्मच साबुत धनिया ले लूँगी और उस धनिया को 2 मिनट तक एकदम लो फ्लेम पे भूनूंगी। एक चौथाई चम्मच मेथी डालूंगी, 4 हरी इलायची, कुछ लाल मिर्च, 1 चम्मच जीरा, 4 लौंग, 1 छोटा सा तेज पत्ता और इसको वापस से भूनूंगी। फ्रेंड्स, जिस सीक्वेंस में मैं मसाले डाल रही हूँ कढ़ाई में, आप भी उसी सीक्वेंस में डालिएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारे जो मसाले मैं इसमें डालने वाली हूँ वो सुगंधित हैं, तो सुगंधित मसालों को अगर आप ज़्यादा भूनिएगा तो उसका स्मेल चला जाएगा। मैं इसमें डालूंगी 1/4 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच कस्तूरी मेथी और इसको फिर से वापस भूनेंगे। फ्लेम हमेशा लो रखना है फ्रेंड्स। फिर डालेंगे 1/4 चम्मच हींग, 1 चम्मच आमचूर पाउडर और 1 चम्मच सूखे अदरक का पाउडर और इसको भूनूंगी। अब सारे मसालों को मैं कूट लूंगी। इसको पीसना नहीं है दोस्तों, ये मसाले को पीसना नहीं है। अगर आप पीसिएगा तो इस मसाले का टेस्ट अलग हो जाएगा। कूटने से मसाले का टेस्ट अलग होता है, इसे हमें दरदरा ही कूटना है। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, जिस सीक्वेंस में मैंने मसाले को भुना था कढ़ाई में डालकर, उसी सीक्वेंस में आप डालिएगा
एक की मसाले का सुगंध उड़ जाएगा अगर आप पहले डालिएगा तो, दूसरा कि जो छोटे मसाले हैं उनको पहले अगर आप कढ़ाई में भूनिएगा तो वो जल भी जाएंगे, जैसे कि कस्तूरी मेथी उसका स्मेल ऑफ हींग, ये सब आप पहले डालिएगा तो इसका भूनने में उसका स्मेल चला जाएगा, इसलिए लास्ट में आपको डालना है। फिर देखिए ये मसाला कैसा बनकर रेडी हुआ है, एकदम ही दरदरा। इसको जब आप अपने समोसे में दीजिएगा आपके समोसे का टेस्ट बहुत ही ऑथेंटिक आएगा। फ्रेंड्स, आपको बहुत लोगों ने बताया होगा कि समोसे का मसाला कैसे बनाते हैं, पर आप ट्रस्ट कीजिए और ये वाला ट्राई कीजिए। अब मैं लगभग 50 ग्राम अदरक और दो एकदम तीखी वाली मिर्च को लेकर कूट लूँगी। इसको हमें रफली ही कूटना है, मिक्सर ग्राइंडर में नहीं कीजिएगा। ये देखिए ऐसे ऐसे ही इतना ही करना है बस। फिर एक कढ़ाई में सरसों का तेल लूँगी और उसमें मूँगफली को फ्राई कर लूँगी। मूँगफली फ्राई हो चुका है, अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। अब मैं इसमें डालूंगी अदरक और मिर्च जिसको कि मैंने कूट कर रखा था। इसको हल्का सा मैं अब फ्राई करूंगी। अदरक और मिर्च फ्राई हो गया है, अब मैं इसमें डालूंगी उबला हुआ आलू। आलू को हमें चाकू के सहायता से काट कर नहीं डालना है, ऐसे ही रैंडम हाथ से चूर के देना है। पूरा मैश नहीं करना है आलू को, थोड़ा खड़ा रखना है और अदरक और मिर्ची के साथ इसे भूनना है। फिर इसमें स्वाद अनुसार मैं नमक डालूंगी और इसको 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही मीडियम फ्लेम पे फ्राई करूंगी। फिर मैं इसमें डालूंगी दरदरा कुटा हुआ समोसा का मसाला जो अभी मैंने बनाया था, वो मैं इसमें डालूंगी और इसको अच्छे से भूनूंगी 2 से 3 मिनट तक। अब इसमें जाएगा 1 चम्मच लाल मिर्च तीखा वाला, भिगोया हुआ हरा मटर, मूंगफली अभी जो मैंने फ्राई किया था वो भी इसमें डालेंगे और इसको अच्छे से वापस 2 से 3 मिनट तक चलाएंगे और काजू डालेंगे। काजू और किशमिश ऑप्शनल है, मैं इसमें किशमिश भी डाल रही हूँ। लगभग 50-50 ग्राम मैंने इसमें डाला है, इससे नटी फ्लेवर आता है फ्रेंड्स और बहुत ही अच्छा लगता है। फिर मैं इसमें डालूँगी हरा धनिया, धनिया डालकर अच्छे से इसमें मिक्स कर दूँगी। समोसे का आलू रेडी है, अब चलिए आटा को देखते हैं। आटा को एक बार फिर से हम लोग सान लेंगे ताकि वो थोड़ा और सॉफ्ट हो जाए और इसकी लोई बना लेंगे बराबर साइज में। लोई बनकर रेडी है, अब मैं इसको बेलूंगी। इसका मैं ऐसे एक बड़ा सा पेड़ा बना लूंगी और थोड़ा थोड़ा मैदा लेकर इसको बेलूंगी। समोसे के लिए जो आटा बेला जाता है वो गोल नहीं बेला जाता है, उसको थोड़ा लंबा बेलना होता है। तो आप देखिए मैं कैसे बेलूंगी, उसको मैं गोल नहीं बेलूंगी। आप इसको जब लंबा बेलिएगा ना और बीच से कट कीजिएगा और फिर जब इसमें कोन बना के समोसे का जो फिलिंग है वो इसमें भरिएगा तो समोसे का जो शेप है वो एकदम सही आएगा, नहीं तो शेप अच्छा नहीं आएगा। समोसा का टेस्ट तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि आप लोगों ने मसाला वैसे ही बनाया है जैसे मैंने बताया है, पर शेप अगर अच्छा नहीं आया तब तो आप पकड़े जाओगे ना कि ये समोसा घर का बनाया हुआ है। तो ये देखिए ठीक इतना ही होना है, ज़्यादा पतला या मोटा नहीं करना है आटे को। ये देखिए मैंने इसको बीच से कट कर लिया। अभी देखिए मैं आपको बताती हूँ कि इसका फोल्ड कैसे बनाना है। तो एक तरफ जो सीधा तरफ है ना उसको लेके और उसमें थोड़ा सा पानी लगाना है, पानी लगा के और फिर दूसरा वाला साइड का उसको पकड़ के ऐसे करके कोन बना के उसको ऐसे पेस्ट कर लेना है। ये देखिए है ना पूरा बन गया ना कोन, ऐसे ही बनाना है। फिर इसको हाथ में लेकर और इसको ऐसे खोल लेना है और खोल के अब इसके बीच में हम लोग फिलिंग डालेंगे। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें अब मैं फिलिंग डालूंगी। और फिलिंग को थोड़ा अंदर की तरफ कर लेंगे, नहीं तो जब आप छानिएगा ना तो फिलिंग बाहर निकल जाएगी फटके। ये देखिए इसको पलट के उसमें फिर पानी लगाना है, पानी लगा के फिर उसमें ऐसे फोल्ड लगाना है और फिर एक बार उसके अंदर में भी ऐसे करके पेस्ट करना है। इसको ऐसे करके पेस्ट कीजिएगा ना अंदर में तो वो देखिए वहाँ पे एक त्रिकोण टाइप का बन जाएगा और फिर अंदर में ऐसे पानी लगा के और फिर पूरे समोसे को चिपका देना है तो उसका शेप देखिएगा कितना अच्छा आएगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ।
बनाएंगे। देखिए समोसा बनाने में हड़बड़ एकदम नहीं करना है, एकदम आराम से आप बनाइए, ऐसे ही फॉलो कीजिए। ये देखिए समोसे का शेप कितना अच्छा है, लग रहा है ना कि एकदम बाजार से आया हुआ है, मार्केट से आया हुआ है। ऐसे ही आप बनाइए अपने घर में, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। बस लंबा आटा थोड़ा बेलना है, अब बीच से कट करके फिर जो सीधा साइड है ना उस साइड से लेके फिर उसको फोल्ड करना है। ये देखिए मैंने सारे समोसे इसी तरह बना लिए, अब मैं इसको छानूंगी। समोसे को छानने के लिए हमें ज़्यादा गर्म तेल की ज़रूरत नहीं है। देखिए मैंने एक छोटा सा आटा उसमें डाल के देखा, उसमें बुलबुला आने लगा, मीन्स मेरा जो तेल है वो एकदम परफेक्ट गर्म है। ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडे में नहीं देना है उसे हमें छानने के लिए, नहीं तो फिर जो है ना क्या होगा, आपका जो समोसा है वो अंदर से कच्चा रह जाएगा, ठीक से पकेगा नहीं। इसको मीडियम फ्लेम पे एकदम धीमे आँच पे, धीमा या मीडियम फ्लेम के बीच में आप उसको पकाइए तो समोसा एकदम परफेक्ट पकेगा। नहीं तो आप देखते होंगे कभी कभी आप मार्केट से जब समोसा लेके आते हैं ना तो अंदर में थोड़ा कच्चा आटा टाइप का, मैदा टाइप का आपको मिलता होगा, तो आपको लगता होगा अरे ये समोसा तो कच्चा ही रह गया है। नहीं, इसको हम लोग एकदम क्रिस्प बनाएंगे। तो समोसे का जो तेल है जो हम लोगों ने गर्म किया है उसको एकदम ठीक टेम्परेचर पर रखना है। एक छोटा सा आटा डालिए और आपको पता चल जाएगा कि वो तेल आपका सही गर्म हुआ है या नहीं। ये देखिए मैंने समोसा तो बहुत ज़्यादा बना लिया था, 1.5 किलो आलू का था, इसलिए मुझे दूसरा कढ़ाई भी चढ़ाना पड़ा, नहीं तो मैं दिन भर तो समोसा ही बनाते रह जाती। तो मैंने 2 कढ़ाई लगा दिया है, दोनों कढ़ाई पे मैं साथ साथ समोसे बना रही हूँ। कोई मुश्किल नहीं है, दोनों कढ़ाई एक साथ बन जाएगा, समोसा जो भी है ना सारा एक साथ बन जाएगा। ये समोसे भी हो गए, अब मैं इसको निकाल लूँगी। इतने टेस्टी दिख रहे हैं ये समोसे, मुझे तो बहुत ही टेम्पटिंग लग रहे हैं। मैं मुझे मन कर रहा है कि जल्दी से ये छन के बाहर निकल जाएं और फिर मैं इसको खाने लगूं। ये देखिए समोसे हो गए ना रेडी, अभी दूसरी कढ़ाई के भी मैं डालूंगी। और ये मैंने प्लेटिंग कर ली है और उसके साथ मैंने चटनी लगाई है। ये चटनी काले सरसों की है जिसको कि मैंने दही में देके बनाया है। इसकी भी रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है फ्रेंड्स, प्लीज़ आप जाके चेक करो, अगर आपने ऐसे समोसे बनाए तो बहुत टेस्टी बनेंगे। फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।